क्रियाकलाप एक, सजातीय लक्षणों का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन ऑफ होमोलॉगस कैरेक्टर्स। आपने कई प्रकार के तने देखे हैं, कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र में इनके बारे में अपने साथियों के साथ चर्चा करके अलग अलग प्रकार के तने वाले पौधों का कार्य लिखिए। दिए गए चित्रों से स्पष्ट है कि प्रतान, कद्दू, झुमक लता, कांटे, नींबू तथा कंद, आलू, इन सभी की उत्पत्ति तने की कलिका से हुई है, पर इनके कार्य अलग अलग हैं। इस प्रकार हम पौधों की पत्तियों में भी सजातीय लक्षण देख सकते हैं। आपने चित्र में पक्षी व चमगादड़ के पंख, डॉल्फिन व सील के पंख, भेड़ व कुत्ते की अगली टांग एवं मनुष्य व छछुंदर के अग्रपादों को देखा है। ये सभी उत्पत्ति व रचना की दृष्टि से समानता प्रदर्शित करते हैं। इनके अग्र टांगों की अगली हड्डियां ह्यूमेरस है एवं उसके साथ जुड़ी हड्डियां रेडियस और अल्ना है, अर्थात इनकी संरचना एक जैसी है, यानी इनके पूर्वज एक से थे। क्या इन सभी के कार्य एक है? यदि नहीं तो ऐसा क्यों हुआ होगा? कुछ अन्य लक्षण जैसे तितलियों और पक्षियों के पंखों का कार्य समान है, पर उनकी उत्पत्ति एक समान नहीं है। एक तरफ जहां पक्षी का पंख उसके अग्र टांग से बना है, वहीं तितलियों का पंख उनकी टांग से नहीं बल्कि मुख्य रूप से त्वचा से बना है। इस प्रकार के लक्षणों को समवृत्ति लक्षण, एनालॉगस कैरेक्टर्स कहा जाता है, जो यह दर्शाते हैं कि इनके पूर्वज अलग अलग थे। अर्थात सजातीय लक्षण ऐसे लक्षण हैं जिनकी उत्पत्ति एक जैसी जबकि कार्य अलग है, और समवृत्ति लक्षणों में उत्पत्ति अलग अलग है पर कार्य एक जैसे हैं।